लिख के दिखाते उस पर। वाह क्या बात है, क्या कितना अच्छा इस पर लिख जा रहा है। वाह आगे भी कुछ लिख देते हैं। या गिर भी नहीं रहा, वाह क्या बात। अब मैं अपना नाम लिख देती हूँ इस पर। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ अपने घर में बहुत मजे में हैं। आप लोग भी अपने अपने घरों में मजे में होंगे और मजे में रहिएगा। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और आज ठंड बहुत बढ़ गई है, आप देख सकते हो। मैंने शॉल भी डाला हुआ है और यहाँ देखिए कोई तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। पूरा कमरा बिखेर के रखा हुआ है। अपना अपना कमरा सही करके जाइयो, ठीक है, नहीं तो पिट्टी खाइयो, ठीक है। और मैं यहाँ खड़ी हूँ और अभी मिस्त्री भी थोड़े देर में आने वाले होंगे, इसीलिए फटाफट काम का निपटारा हो रहा है। जिसने जिसने जो काम अपना कर रहा है। और चलिए फिर चाय वाय भी पीना पड़ेगा क्योंकि सुबह हो गई है, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज से। कल तक हम कह रहे थे कि ठंडी नहीं लग रही है, ठंडी का मौसम चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठंड थोड़े दिन और लगनी चाहिए। क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि ठंडी का मौसम है, ठंडी का सीज़न है, बट ऐसा करवट लिया कि कल रात को मैं कह रही थी कि इतनी जल्दी ठंडी चली गई कुछ पता नहीं चल रहा, और आज ठंडी वापस आ गई। लेकिन अच्छा है, थोड़े दिन ठंडी के दिन में ठंडी फील करना भी तो ज़रूरी है। गर्मी जैसी फीलिंग्स आने लग रही थी, गर्मी होने लग रही थी, बट अभी अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है कि हाँ वापस ठंडी आ गई। और मुझे टेंशन भी हो गई क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। और जनवरी भी जा रहा है, फरवरी से वैसे ही गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हो जाती है। मुझे उस बात की बहुत टेंशन हो रही है, भगवान अब 8 महीने फिर गर्मी झेलो 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 क्या होगा, माई गॉड। चलिए फिर चाय वाय बनाते हैं और पीते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बाय बाय। दोपहर के बाद का टाइम है, अभी बज रहा है 1:30 और मेरा देखिए काम हो चुका है और मैंने शावर भी ले लिया है। और मैंने आज पिंक पहना हुआ है, आप देख सकते हो, तो मैंने पिंक स्टिक भी लगा ली है डार्क। और कैसा लग रहा है गाइस, ये देखो पिंक आज मैं पिंकी बनी हुई हूँ, पूरी पिंकी। तो फाइनली काम हो चुका है और मैंने लेकिन अभी लंच वंच कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं हुआ है अभी। तो भूख लग रही है बट काम हो रहा है तो खा भी नहीं सकते, उधर सब फैला हुआ है सामान। खटपट भी फिर आवाज़ आ रही है, आप सुनाई दे रहा होगा, इग्नोर इट। और काजल और मेरा कैसा लिप टूट गया है, एक्चुअली वो बाहर डस्ट हुआ है तो वो सब मेरी आँख में कुछ पड़ गया, तो पूरा आंसू के बूंदे निकलने से मेरे काजल फैल गए। वाह 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 क्या बात क्या बात। की वजह से काजल थोड़ा सा फैला हो गया। अभी भी देखिए आंखों में पानी भरा हुआ है, अभी टपक जाएगा ऐसा लग रहा है। ओके कोई बात नहीं। तो गाइस कैसे लग रहे हैं बताइएगा, कैसे लग रहे हैं टॉप में। तो बस ऐसे ही नहा वहा के थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। और मौसम बहुत ठंडा है आज, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हड्डियां गल रही हैं। और बस और बताइए क्या बात करे, कुछ है ही नहीं काम की वजह से, काम की वजह से। देखा एक बार तो सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों का, ये गिला है आपकी निगाहों का। सांसों के दरमियान
बहुत साउंड है, बहुत साउंड है, खट पिट खट पिट खट पिट, बहुत साउंड है, इसलिए आप इसको इग्नोर कीजिए। और सॉरी, क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग तो मुझे करना ही है और काम भी है, वो इम्पोर्टेंट है तो होगा ही होगा, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करिए, बस कुछ दिनों की बात है गाइज, फिर तो सब ठीक होना है, अच्छा होना है। और बताइए, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी क्या काम हो रहा था, अभी तो फिलहाल काम हो रहा उधर जाने लायक नहीं है, कि क्या काम, क्या कुछ चीज़ें थी जो फिर से चेंज हो रही थी, रेनोवेट हो रही थी, वो ख़राब हो गया था तो फिर से वापस उसको सब कर रहे हैं। तो गाइस चलिए फिर बाद में बात करते हैं आपसे, तब तक कुछ कोशिश करते हैं, मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो फिर बात ही अलग है। चलो बाय। हेलो गाइस, ये देखो भूत की तरह मेरी आंखें कितनी काजल काजल हुई है, बट अच्छा लग रहा है। एक्चुअली काजल थोड़ा फैल गया था उस समय, तो मैंने पूरा ऐसे ऐसे कर दिया उसको फिंगर से, यूं यूं, तो अभी दूसरा काजल हो गया। ये देखो, या और ये देखो क्या हालत हो रखी है, किचन में उधर सब कुछ कर रहे हैं तो खाना उठा के यहाँ ले आके बना हुआ खाना यहाँ कमरे में रखना पड़ा है। गाइस देख सकते हो मैंने नीचे रख दिया है, और किचन में तोड़ फोड़ स्टार्ट है, और ब्रम 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 की आवाज़ आपको आ रही होगी, और बहुत ठंड है, बहुत ठंड है आज, बहुत ठंड है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपको मुझे चाय, कितनी आवाज़ है गाइस, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, मेरी यहाँ पे ऐसी ऐसी सी हो गई है चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन किचन में जा नहीं सकते जब तोड़ मोड़ कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ इंतज़ाम करूँ चाय का, और चाय पीती हूँ, बिना चाय की ज़िंदगी नहीं चलती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो चाय तो चाहिए ही चाहिए गाइस। और बताओ गाइस क्या करना चाहिए, मुझे चाय पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, चाय पीनी चाहिए पीनी चाहिए यार। चलिए तब तक आप लोग को एक गाना ही सुनाते हैं। गाना भी याद नहीं आता है, जब सोचो तो नहीं याद आता है, लिपस्टिक भी पूरी नहीं लगी है कुछ भी हो रखा है, कुछ भी, बट कोई बात नहीं, सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है। तो इंसान को खुश रहने के लिए गाना गाना बहुत ज़रूरी होता है, और लाइफ में खुश रहने से उम्र भी कम लगती है, एज का पता नहीं चलता है, और जवानी जिंदाबाद रहती है, इसलिए गाना गाओ, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। जैसे गाना कौन सा होना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। खटपट खटपट में क्या गाना गाया आज, गाना भी लगता है रही जाएगा, बट ठीक है, इट्स ओके, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। कौन सा गाना आपको सुनना है ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी गाने की, फ़िलहाल तो मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा है, सोचते हैं। पता है ये धूल धक्कर उड़ा डाले, मैंने कल ही हेयर वॉश किया था परसों ही, और मेरा आज एकदम हेयर गंदा हो चुका है वापस फिर से, रोज़ रोज़ ठंडी में कौन हेयर वॉश करेगा, बट इतना धूल धक्कर उड़ा रहे हैं कि करना ही पड़ सकता है, कुछ पता नहीं। खटपट खटपट लगा रखे हैं खोपड़ी पे, पर गाइस कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर, थोड़ा थोड़ा सा मैनेज कर। चलो फिर बाद में मिलते हैं, बाय। गाइस ये देखो जो मैंने प्याज लगाया था वो थर्माकोल के बॉक्स में, वो इतना बड़ा बड़ा हो गया है, उसके नीचे मतलब लहसुन भी एक एक मैंने लगाया था, वो भी निकला हुआ है लहसुन भी, आप देख सकते हो। और ये देखो मैंने नया लहसुन लगाया हुआ है, नया लहसुन लगाया हुआ, ये भी निकल रहा है, आप देख सकते हो। क्या करें, बस ऐसे अच्छा लगता है मुझे। ये देखो थोड़ा सा धनिया पत्ती भी निकला हुआ, अभी देखो निकल रहा है, मैं ऐसे ही बस लगा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा ये सब किचन गार्डनिंग करना। और इधर देखो इतना बड़ा बड़ा प्याज हो गया, इधर प्याज लगाया था तो इतना बड़ा बड़ा हो गया, ये देखो इतना बड़ा डब्बा था, ये खाली उसको मैंने काट के लगा दिया था, इतना बड़ा प्याज हो गया है। आप इसको हार्वेस्ट करके खा सकते हो, कटिंग करके इसको भी आप कटिंग करके ऊपर से आप खा सकते हो, और ये धनिया भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है, देखो इसको भी खा सकते हो, जिसमें देखो मेथी आया हुआ ऐसा, देखो
तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगता है ये, बस ऐसे ही मन करता है कुछ ना कुछ करने का, तो ये मैंने आपके सामने ही किया था। और ये देखो इतना बड़ा हो गया अभी, और ये देखो इतना अच्छा सा हो गया। और ये सब हम लोगों ने बालकनी का पूरा हटा दिया, क्योंकि ये पूरी पेंटिंग हुई है, पूरी ग्रिल की पेंटिंग हुई है, तो सब नीचे सब प्लांट्स ऐसे पड़े हुए हैं। अब ये सब जब हो जाए अच्छे से तो फिर बाकी इसको फिर वापस मुझे सेट करना होगा। गाइस ये देखो इन लोगों ने क्या तमाशा मचा के रखा है, ये देखो हाँ। ये देखो घर का सारा सामान कैसा हुआ पड़ा, ये देखो सफाई कर रहे हैं एक लोग, माय गॉड। ये देखो ये तो मुझे साल भर लगेगा ये सब साफ सुथरा करने में। ये देखो ये देखो ये फ्रिज के ऊपर देखो, ये देखो ये माय गॉड सब कितना भगठा हुआ है सारा सामान। ये देखो ओफो ये सब कैसे सफाई होगा, करो करो सफाई करो पूरा जल्दी जल्दी। ओहो ये देखो नीचे देखो फर्श पे देखो क्या हुआ पड़ा है, ओ माय गॉड। ये डाइनिंग टेबल की हालत देखो गाइस, ये देखो कितना लेयर, ये देखो मैं अभी लिख के दिखाती हूँ इस पर। वाह क्या बात है, क्या कितना अच्छा इस पर लिख जा रहा है। वाह आगे भी कुछ लिख देते हैं, क्या दूर भी नहीं रहा है। वाह क्या बात, अब मैं अपना नाम लिख देती हूँ इस पर। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर भी कुछ लिख देती हूँ, वाह क्या बात है, इधर भी लिख दूँ। वाह क्या बात है, देखो गाइस पूरा इस पे लिखने लायक गंदगी मची हुई है, सब तरफ लिख दो। वाह वाह क्या बात, क्या बात है, पूरा घर कबाड़ा हुआ पड़ा है। हेलो गाइस मैं फिर से वापस आ गई, गुड इवनिंग। और इस समय मैं खा रही हूँ ये देखो ये बर्गर। एक्चुअली मेरा रेजोल्यूशन तो था कि मैं अब जैसे अपना डाइट फॉलो कर रही थी वैसे ही करूँगी, बट मुझे लगा मकर संक्रांति तक थोड़ा बहुत चीट कर लूँ, उसके बाद नहीं करना है। तो ये बर्गर आया तो मैंने कहा चलो वही थोड़ा सा खा लेती हूँ। और ये बोला बर्गर है, देसी स्टाइल बर्गर है, ये डोमिनोज का और क्या का मैकडोनल्ड्स का बर्गर नहीं है। तो ये ऐसी देसी वाला बर्गर है, देसी स्टाइल, तो बहुत ये भी टेस्टी होता है। और ये इसके साथ गर्मा गर्म चाय, तो इसको हम इंजॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9, और आज हमने थोड़ा सा चीटिंग करने का मूड बनाया है। एक्चुअली आज थोड़ा सा कुछ बना दिया डिफरेंट, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टेस्ट मारते हैं, तो आज मेरा चीट डे हो जाएगा, चीट नाइट हो जाएगी। तो हम खाने जा रहे हैं ये टेस्टी वाला मटर पनीर और रोटी और थोड़ा सा राइस, तो देख सकते हो ये खाने जा रहे हैं। तो और देखो सब लोग लेके बैठ गए हैं खा रहे हैं, इतने सारे लोग मुन्नी निकाल निकाल के, ये देखो स्टार्ट है। हम लोग आज फर्श पे बैठ के खा रहे हैं। एक्चुअली जब भी कभी कभी हम लोग को अच्छा लगता है जब टीवी देखते हैं तो फर्श पे बैठ के खाते हैं तो अच्छा लगता है। अक्सर आप देखते हो कि मुझे वीडियो में मैं फर्श पे बैठ के खाती हूँ और टीवी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाना। तो गाइस चलिए आज के लिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे कुछ नया करते हैं। वैसे तो घर में काम लगा है तो कुछ नया कर ही नहीं पाते हैं, बस ठीक है कुछ तो कुछ करेंगे ही। और रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, क्या बनाया कैसे बनाया ज़रूर देखिएगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी बजा देना नोटिफिकेशन के लिए। तो कल मिलेंगे, बाय बाय, हर महादेव, गुड नाइट।